नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वक्त आप मेरे साथ हेनले में हैं, लेह से 250 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। हम इसके अंदर जाकर इसका जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले टर्निंग पॉइंट की बाकी स्टोरीज पर एक नजर। तो आइए चलते हैं विश्व के इस सबसे ऊंचे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के अंदर और पता लगाते हैं कि सितारों के बीच ब्रह्मांड के किन रहस्यों को ढूंढने में लगे हैं हमारे एस्ट्रोनॉमर्स और कैसे। ले लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे लद्दाख के इस हिस्से को प्रकृति ने नैसर्गिक खूबसूरती से नवाजा है। चाहे वो खूबसूरत चट्टानी पहाड़ हो, सिंधु नदी की कलकल ध्वनि के साथ बलखाती लहरें हो, या फिर दूर दूर तक कैनवस पर पेंटिंग्स की तरह नजर आने वाली ठंडे रेगिस्तान की छटा हो, गर्मी की 25 डिग्री सेल्सियस और जाड़े की -25 डिग्री सेल्सियस के बीच झूलने वाले लेह में खूबसूरती, सीधे साधे लोग और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के अलावा जो चीज बाहर से आए लोगों को महसूस करनी पड़ती है वो है एक कठिन जिंदगी। रफ वेदर, डिफिकल्ट टेरेन और अधिक ऊंचाई पर होने वाली ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं को समझना तो शायद आसान है, पर जो चीज आपको हैरान कर सकती है वो है सुदूर दक्षिण से आए वैज्ञानिकों के दल का लेह से 250 किलोमीटर दूर हेनले नामक जगह में 15,000 फीट की ऊंचाई पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाना। पर आज ये एक सच्चाई है। भारत के पास आज विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसे सितारों के बीच ब्रह्मांड के रहस्यों को ढूंढने का एस्ट्रोनॉमर्स का अदम्य साहस कहें या सितारों को छू लेने जैसे दुस्साहस का एक खूबसूरत परिणाम। पर सच ये है कि आज हेनले का ये विश्व का सबसे ऊंचा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। फर्स्ट टास्क विच वी टुक अप एंड वेंट टू द रेन शैडो एरियाज ऑफ द हिमालयस एंड even today I can't believe that Hanle gets less than maybe few centimeters of rain in a year, just a few centimeters of rain in a year, and it's dry and has clear skies, and it's at an extremely high altitude, about 15,000 feet above nearly half the atmosphere. So the astronomical light that come from the stars comes in an unperturbed way, and we can see the stars with tremendous clarity without their image shaking around due to the turbulence of the atmosphere. And second important reason why India as a whole is an important place for astronomy is that the other facilities are in distant lands. When they have day, we have night. That part of the sky is not available to mankind to view unless we put up a good telescope here. So these two are the main reasons. Of course, technically there are many reasons which make Hanle an excellent site. किसी यूनानी सैनिक के टोपी की तरह दिखने वाले इस डोम के अंदर है ये भारी भरकम ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, जिसे मशहूर भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर के नाम पर हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इस टेलीस्कोप की मदद से सितारों से आने वाली ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस के अलावा गैलेक्सीज और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स इस भारी भरकम टेलीस्कोप से कैसे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो इसके लिए पहले इसकी मूल बनावट और फंक्शनिंग को समझना जरूरी है। यह है एक सामान्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप की रूपरेखा। इसमें एक प्राइमरी और सेकेंडरी दो मिरर्स होते हैं।
अनंत से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरणें पहले प्राइमरी मिरर पी, जो कि एक कॉनकेव मिरर होता है, से रिफ्लेक्ट होकर सेकेंडरी मिरर एस, जो कि एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर केंद्रित होती हैं और इमेज का निर्माण करती हैं। आइए अब इसे इस बड़े टेलीस्कोप के संदर्भ में देखें। ये है इसका प्राइमरी कॉनकेव मिरर, जिसका डायमीटर 2 मीटर है। ये कवर्ड होता है और ऑब्जर्वेशन के वक्त इस पर से कवर हटा दिया जाता है। ऐसे किसी भी टेलीस्कोप का साइज उसके प्राइमरी मिरर के डायमीटर पर ही आधारित होता है। इसके ठीक ऊपर होता है सेकेंडरी मिरर और प्राइमरी मिरर के नीचे लगे होते हैं सीसीडी कैमरास और अन्य इमेजिंग डिवाइसेस, जिनके माध्यम से इमेज को कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। इस टेलीस्कोप की खास बात यह है कि इसे रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, यानी इसके लिए शारीरिक तौर पर हेनले जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ऑब्जर्वेशंस का आनंद ले सकते हैं, जैसा कि इस वक्त बैंगलोर के हाउसकोटे ऑब्जर्वेटरी में बैठे डॉक्टर साहू कर रहे हैं। वो हेनले में बैठे इंजीनियर वांगचुक से ऑब्जर्वेशन करने के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशंस की जानकारी ले रहे हैं। स्काई का कंडीशन आज फुल क्लियर है, तो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब शाम तक ठीक था पूरा? हाँ, आज काफी क्लियर रहा स्काई शाम को। और विंड अभी थोड़ा सा है, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो टेलीस्कोप पॉइंट पे रखता हूं मैं। हाँ, आप टेलीस्कोप कंट्रोल ले सकते हैं। ऊपर पूरा क्लियर है? ऑब्जर्वेशन फ्लो में सब क्लियर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सब कुछ तैयार होने पर इंतजार होता है शाम का। कंप्यूटर पर एक कमांड और डोम को एक निर्धारित डायरेक्शन में खोल दिया जाता है। कंप्यूटर पर एक दूसरा कमांड और टेलीस्कोप खुद को निर्धारित दिशा में अलाइन कर लेता है, और इस तरह टेलीस्कोप पूरी तरह तैयार हो जाता है एक्शन के लिए। और इसी के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जर्वेशंस के लिए आंखें गड़ाए तैयार बैठे होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। विज्ञान और तकनीकी विभाग के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIAP बैंगलोर के वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित इस ऑब्जर्वेटरी को हेनले में स्थापित करने से पहले इन वैज्ञानिकों ने कई सालों के परीक्षणों के बाद ही इस स्थान को उपयुक्त घोषित किया। पर इस स्थान का सिर्फ एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से उपयुक्त होना ही काफी नहीं था, क्योंकि असली चुनौतियां तो उसके बाद शुरू हुई। हाँ, यहाँ के चैलेंज दो थे। पहला चैलेंज था कि हम इतनी दूरी पर आ रहे हैं कि जहाँ कोई फैसिलिटीज आई नहीं, बिजली नहीं थी, पानी पीने का पानी नहीं था और कम्युनिकेशन नहीं था। और दूसरा है कि हाइट में ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ प्रेशर है 58%। तो ये दोनों के कारण शुरू में हमें बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और लद्दाख के लोगों की मदद ली है। इससे हमने दिखा दिया कि इतनी हाइट पर और इतनी दूरी पर भी हम काम कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। पावर के लिए हमने सोलर पावर लगा दिया, जो क्लीन पावर है, और इसमें हमने 60 किलोवाट पीक जनरेशन किया है। उससे हमारी पूरी ऑब्जर्वेटरी इसी पर चल रही है। और कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक लगा दिया, ये डिवाइस से हमें मिला। आज IIAP के वैज्ञानिकों के विश्वास और इच्छा शक्ति के बलबूते पर पिछले 3 सालों से सफलतापूर्वक कार्यरत इस ऑब्जर्वेटरी से इन वैज्ञानिकों की भविष्य की और भी उम्मीदें जुड़ी हैं। पर ये तस्वीर का एक पहलू है। हेनले ऑब्जर्वेटरी को एक मल्टी डिसिप्लिनरी डायमेंशन प्रदान करना भी IIAP वैज्ञानिकों के लक्ष्य में शामिल है। One of the areas where the new projects are going to come up very shortly is the area of ionospheric science. And one of the projects that is going to take shape very shortly is the CRABX. CRABX stands for Coherent Radio Beacon Experiment. This is a national project funded by the Department of Space, wherein we monitor or we record the radio beacon transmissions in the VHF and UHF bands
from low Earth orbiting satellites at Hanle, from which we derive the total electron content between the receiver, that is Hanle point, and the satellite. Apart from the activity to monitor the dynamics of the solid Earth, we are going to set up a facility for monitoring the chemistry of the atmosphere, as I have just told you, carbon dioxide to start with, and then it will be followed by other greenhouse gases. Another activity which is going to start very shortly is the setting up of a geomagnetic observatory and an ionosonde which looks at the atmosphere, at the ionosphere to determine its opacity and thereby the relationship to what is happening on the Earth and its nearby space. चाहे सुपरनोवा हो या गैलेक्सीज, गामा रे बर्स्ट हो या कॉस्मिक स्टडीज, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप आज खगोल वैज्ञानिकों के लिए एक ऐसा मुकाम बन चुका है जहां हजारों लाइट ईयर्स दूर छिपे सितारे भी अपने रहस्यों को धीरे धीरे खोल रहे हैं, जैसे भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के साहस और निष्ठा के सम्मान के लिए ये सितारे भी झुक कर उनके और पास आ गए हों।